मेरे पास दोनों फाइलें आ चुका था और फाइलें अनजिप भी हो चुका था, ठीक है। यहाँ तक एक्टिविटी परफॉर्म हो चुका था हमारा। तो हम क्या करते हैं, हमने जीएसटी एडमिन नाम का यूजर भी बनाया था, हाँ ठीक है, U01 ऑनरशिप भी पास कर दिया, हाँ ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं एक्स सोर्स प्लस एंड जीएसटी एडमिन, मूव करें U02 के सिनेरियो में। डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है, लिस्ट ऑफ फाइल अवेलेबल है, ठीक है। हमें क्या मूव करना है, यहाँ पर रन करना है रन इंस्टॉलर। ध्यान रखिएगा, अगर ये कमांड हम ऑपरेट नहीं करते एक्सपोर्ट तो एक्सहोस्ट यूनिवर्सली पास कर देता है, ठीक है। जिस किसी आईपी को लेते हैं उस आईपी के लिए ग्राफिकल लॉन्च का परमिशन देगा। ये जिसका जिस किसी यूजर्स का पैनल होगा वो यूजर ग्रांट कर, क्योंकि रूट का पैनल है इसे रूट ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन का वो फ्लो स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो यदि किसी इन्वायरमेंट दिखेगा जिस सिनेरियो में आपका ओरेकल ओडीएन की एंट्री डिमांड करता है, अब यहाँ से आप आगे बढ़ाइए, ठीक है। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है यहाँ पर, अपग्रेड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट एंड कॉन्फिगर, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और मूव करवाते हैं। फर्स्ट वे टू सेलेक्ट सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। डेटाबेस लैंग्वेज इंग्लिश, डिफॉल्ट एडिशन इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, जो लाइसेंसिंग के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। यह लोकेशन यूजर वन ऐप यूजर नेम एंड सॉफ्टवेयर लोकेशन, यूजर वन ऐप सॉफ्टवेयर यूजर नेम प्रोडक्ट वर्जन एंड डिवीजन, ठीक है। यह जो लोकेशन पास किया हुआ है ऑरेकल बेस और ऑरेकल सॉफ्टवेयर लोकेशन, ऑरेकल बेस एक कॉमन ग्लोबल लोकेशन है फॉर ऑरेकल इंटायर डेटाबेस प्रोडक्ट, ठीक है। डेटाबेस का 9i 10g 11g जो भी मल्टीपल वर्ड लिस्ट बेस टू लिस्ट जो भी इंस्टॉल करेंगे उन सारे के लिए ऑरेकल बेस एक कॉमन लोकेशन होगा, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट, ऑरेकल बेस कॉमन लोकेशन है बट सॉफ्टवेयर लोकेशन मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर लोकेशन किसी भी सिनेरियोज में ऑरेकल बेस के इनसाइड ही होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू सिनेरियो में भी थोड़ा पूछे जाते हैं व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ऑरेकल बेस एंड ऑरेकल होम। जो सॉफ्टवेयर लोकेशन एरिया है ये हमारे ऑरेकल होम लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर हमारी सारी बाइंड्रीज यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ऑरेकल इन्वेंट्री वो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑन दिस कोर्स स्पेसिफाइड डायरेक्टिव फॉर इंस्टॉलेशन फाइल, दिस डायरेक्टिव कॉल इन्वेंट्री फाइल, इन्वेंट्री डायरेक्टिव। क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलर ऑटोमेटिक सेटअप सब डायरेक्टिव फॉर ईच प्रोडक्ट कंटेन इन्वेंट्री डेटा, इट मीन्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इन्वेंट्री डेटा का रिक्वायर्ड यूज होता है, ठीक है। उसके लॉग्स को ये यूज करेगा, टोटल नंबर ऑफ बाइट मिनिमम बाइट 150 KB में भी ये काम चला लेगा, ठीक है। बट हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये इन्वेंट्री जो है आउटसाइड ऑरेकल बेस है, ऑरेकल इन्वेंट्री आउटसाइड फ्रॉम ऑरेकल बेस, ठीक है। मल्टीपल ग्रुप की रिक्वायर्ड है, ओ एस डी बी ए ओ एस ओ पी आर, ठीक है, अलग अलग यूज पड़े हुए हैं, ठीक है।
इस सिनेरियोज में आपके पास यहाँ जो एबिलिटी दिखता है ठीक है, ऑरेकल डेटाबेस की इंस्टॉलेशन ऑल ऑफ द पैकेज एंड सम ऑफ द कर्नल पैरामीटर फाइल्स ठीक है। तो हम यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन है, या तो मैं इस एनवायरनमेंट को देखूँ ठीक है, इस एनवायरनमेंट से हम सारे पैकेज को कॉल कर लें ठीक है, या हम ऑरेकल की डॉक्यूमेंटेशन को कॉल करें ठीक है। दिस प्रोसेस पास्ड बाय एडमिन, एडमिन हमसे इसको फॉलो करता है ठीक है, बट इट इज नॉट अ रिकमेंडेड मेथड। नॉर्मल सिनेरियो होता है कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, उसका प्लान तैयार करें, रिसोर्स को मैनेज करें, फिर आप इस स्टेप को आगे बढ़ें ठीक है। अगर इस किसी चीज से कुछ आया तो आप उसको सॉर्ट आउट करें, अगर नहीं आया ठीक है तो आप आगे। हमारा सिनेरियो होता है कि हम सारे पेजेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ठीक है, इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को कलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं ठीक है, उसको रन टाइमिंग और सॉर्ट आउट करके हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए ठीक है। हमारे पास लिस्ट ऑफ पैकेज अवेलेबल है, तो अब क्या करेंगे, पैकेज को मैनेज करेंगे आप, मीडिया इंटरप्राइज सर्वर, कौन कौन सा पैकेज है आपके पास, जीसीसी जीलिबसी ठीक है। मैं एक हायरार्किकल पैटर्न को फॉलो करता हूँ ठीक है, उस हायरार्किकल पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे कर्नल पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, सारे पैकेज इंस्टॉल कर देंगे, डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड नहीं होगा ठीक है। अगर आप इस के अकॉर्डिंग आप चलाएंगे ठीक है, तो डिपेंडेंसी डिमांड होगा ठीक है। तो मैं डिपेंडेंसी को ब्रेक करते हुए चला जाता हूँ ठीक है, और वन बाय वन कर देता हूँ ठीक है। क्या करते हैं, कर्नल पैरामीटर्स हैं तो RPM IVH कर्नल हेडर, सबसे पहला यह पैकेज चलाना है ठीक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में डिमांड होगा आपका। जब पैकेज चलाएंगे GCC चलाएंगे ठीक है, तो कर्नल हेडर सबसे रूट पे डिमांड होगा आपका, इसे मैं पहले चला देता हूँ GCC हेडर। जीसीसी की यह हायरार्की है जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया है, वन बाय वन कर्नल हेडर जीडीसी हेडर जीडीसी डबल, ये जीसीसी पैकेज लास्ट में इंस्टॉल हुआ है ठीक है, उसकी सारी डिपेंडेंसी है। हम वो आपके आईक्यू पर छोड़ा हुआ है ठीक है, कि डेडलॉक जनरेट ना हो ठीक है, उस केस वो जो पोर्टफोलियो डिपेंडेंसी था मतलब हटाने का था, आप डेडलॉक जनरेट हो रहा था इसलिए आपने यूज किया होता ठीक है। नॉर्मल केस में अगर पैकेज की बाइनरी को या पोर्टफोलियो इंस्टॉल कर देंगे ठीक है, तो उसके डिपेंडेंट सारे रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम दो साइकिल हमारा आ रहा, दोनों को नहीं इंस्टॉल किया है, एसेटिक को भी और डेवल को भी किया ठीक है। सिनेरियो था तो दोनों एक दूसरे का डेडलॉक जनरेट कर रहा था, इसलिए उसको किल करने के लिए पोर्टफोलियो अपने इंस्टॉल किया ठीक है। यहाँ पोर्टफोलियो इंस्टॉल कर दीजिएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा और एक इंस्टॉल ही नहीं होगा। नॉर्मल मैनर में ठीक है, हम डिपेंडेंसीज को वॉच करेंगे पोर्टफोलियो रेड गेस के कमांड में ठीक है। लीव एसटीडीसी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना मतलब कहीं माइंड पे जोड़ देता है कि यार ये सीक्वेंस है ठीक है। मैं किसी भी टाइप के प्रेशर मतलब वो नहीं चाहता कि माइंड को प्रेशर रहे कि पहले ये करना है फिर ये करना है ठीक है। तो अगर डिपेंडेंसी आती है देखो डॉक्यूमेंट को रीड करो ठीक है, उसे चलाओ उसे इंस्टॉल करो ठीक है। हम जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, इसलिए वहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है।
सी से स्टैट है, सी से स्टैट ऑलरेडी अवेलेबल है, यूनिक्स ओडीबीसी यूनिक्स ओडीबीसी के लगभग कुछ पैकेज हो चुके हैं, कुछ पैकेज आपके बचे हुए होंगे। ठीक है, हम चेक अगेन अप्लाई कर देते हैं। जो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है ठीक है, उसको स्किप करके आपको रेस्ट ऑफ पैकेज दिखाएंगे। अब बस दो पैकेज बचा हुआ ली गई है ये। ठीक है, दो पैकेज अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब एक एक्स सीरीज का पैकेज है और एक आई सीरीज का पैकेज है। ठीक है, हम दोनों को चला देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपके 8.5 RPM पैकेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, सारे पैकेज। अब सिनेरियो है कि इस यहाँ तक तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की ऑरेकल सॉफ्टवेयर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, या तो हर हाल में चाहिए आपको, बिना इसके आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं चलेगा। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज है, कोशिश करना चाहिए इसको भी मैनेज करना। फर्स्ट आपके वन ऑफ इशूज है, फर्स्ट स्टॉप में हार्ड लिमिट और यहाँ पास किया है मैक्सिमम ओपन फाइल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेमोरी में कितना फाइल ओपन करेगा, ठीक है, इसके लिए सिस्टम कहता है कि आपको इसकी रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करें, etc security limits.config। अब यहाँ चेक करें आप क्या मैक्सिमम ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर की कोई वैल्यू दिया हुआ है। एक मैसेज में देखिए नंबर ऑफ ओपन फाइल इट मीन्स नो फाइल की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसका आर्गुमेंट से नो फाइल, तो आप इसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ओपन फाइल डिस्क्रिप्शंस में नो फाइल। ठीक है, तो सिस्टम कहता है कि आप जिस यूजर्स को का नाम पास करेंगे उस यूजर को पास कर सकते हैं। अगर फॉर ऑल अप्लाई करते हैं तो स्टार अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो यूजर्स हैं वो कौन सा है, एसटी एडमिन सॉफ्ट नो फाइल सम ऑफ द वैल्यू हार्ड नो फाइल। व्हाट्स मीन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड इसकी वैल्यू कितना है, 65536। ठीक है, आप 65536 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 65536। ठीक है, या आपने सॉफ्ट लिमिट डिफाइन किया, आप हार्ड लिमिट 1024 पास कर दें। ठीक है, अब इसको आप स्किप करें, सेव करें, सेव करेंगे तो आप और इसको रीचेक कर दें। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट हार्ड लिमिट कहता है सिस्टम की फर्स्ट टाइम जब आप यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके सिस्टम बफर से डेटा को मैनुअली जब रीड करेगा दैट्स अ हार्ड प्रोसेस। सेकेंड, जब हार्ड प्रोसेस यूज हो चुका है ठीक है, तो सॉफ्ट अगेन मेमोरी डेटा को कॉल करने की दैट्स अ सॉफ्ट। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर अभी भी यह मैसेज पास नहीं किया, इट मीन्स और ट्राई मत करो, लिक्विड फॉर्म में
मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन फाइल, हार्ड लिमिट भी मैं इक्वली सेट करता हूँ 655 देन आप एक बार चेक करें इसकी वैल्यू क्या रिकमेंड करता है। हार्ड और सॉफ्ट मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आपके पास हार्ड लिमिट, रिस्क पैरामीटर, रिस्क पैरामीटर है क्या, रिस्क ऑफ द वैल्यू, ठीक है, यह आपके कर्नल पैरामीटर्स हैं। यह एक इंटरफेस पास किया है etc.c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 c.
पैरामीटर फाइल है, ये कर्नल पैरामीटर फाइल है, ठीक है। कर्नल पैरामीटर फाइल में इसके सर्टेन आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पास करें आप कर्नल डॉट sem, ठीक है। sem का सेमाफोर वैल्यूज है, ठीक है, सेमाफोर इज स्टैक में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की वैल्यू पे भी यहां पे ये सर्च करता है, ठीक है, 3 टू 5 वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो मैं 3 टू 5 वैल्यू जो है उसको पास कर देता हूं। क्या है ये वैल्यू, हम उसको बाद में देखेंगे। कर्नल डॉट sem फाइल मैक्सिमम फाइल कर्नल प्रोसेस में ओपन करने की लिमिट कितना दिया हुआ है, 68157 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, पर सिस्टम एक्चुअल वैल्यू क्या है 343, ठीक है। तो कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारा है वो हमें पास कर दें। फाइल मैक्स की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 68157 तो हमें पास कर सकते हैं fs डॉट फाइल मैक्स, क्या है 68 कितना वैल्यू है 68157 मैं इसको सीव करता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। फाइल रिफ्रेश हुआ, ठीक है, और मैं इसको चेक अगेन कर देता हूँ। जो इसके डिफॉल्ट अलर्ट्स हैं, ठीक है, अब चेक कीजिएगा उस वैल्यूज को, क्या वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम सिस्टम और कॉन्फिग में इसकी वन बाय वन एंट्री करते हैं, ठीक है, और उस एंट्री के बिहाफ में यह अपने अलर्ट्स को वापस करता है, ठीक है। अब ये आईपी लोकल पोर्ट रेंज, ठीक है, डिफॉल्ट पोर्ट आप कितना यूज करते हैं, कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप डिफॉल्ट पोर्ट, और एकल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना है, ऑरेकल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 152 है, ऑरेकल का नहीं होता, ऑरेकल के लिए इतना होता 1521, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू 9000 दिया हुआ है, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ये एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर 32768 पर, ठीक है, इट इज आउट ऑफ रेंज पर जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल अगर 1521 फोर डिजिट 5 डिजिट में सेंड करता है तो सिस्टम कहता है इस रेंज में आप पोर्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी जो वर्चुअल सर्विसेज हैं या ऑरेकल की ऑडियो सर्विस है उसको आसानी से सर्टेन पोर्ट पे चला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी एंट्री अगेन सेम फाइल में एंट्री करते हैं, और यह एंट्री नेट डॉट को डॉट आईपीवी पोर्ट नेट IPv4.ip लोकल पोर्ट रेंज कितना वैल्यू है 9000 to 6550 कितनी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यूज RMEM डिफॉल्ट, इट मीन्स रैम की यूटिलाइजेशन डिफॉल्ट ठीक है, डिफॉल्ट और मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा। अगर यह वैल्यू सेट नहीं करते तो ऑरेकल यूज करने वाले अक्सर सिस्टम की क्रैश कर जाता है, सिस्टम फिजिकल सिस्टम ही हैंग हो जाता है, ऑरेकल एक्सपेंड होते होते अपने मैक्स वैल्यू को एक्सपेंड करने लगता है, ठीक है।
नॉर्मली बताया था कि मेमोरी कैलकुलेशन क्या है, 2/3 हमारे का डेटा को पास करते हैं, 1/3 प्रोसेसर को पास करते हैं। अब ये मैक्स होती मैक्स लिमिट डिफाइन नहीं करेगा, मैक्स होती को पूछ रहा है, जैसे कि आपके एक्सटर्नल रिसोर्स को चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री जो है वो रैम के लिए, रैम की डिफॉल्ट एंट्री नेट डॉट कोड डॉट, ठीक है, क्या है RMEM डिफॉल्ट FAULT डिफॉल्ट, कितना वैल्यू है इसका 262144, हम पास कर दें इसका 262144 एंड नेट डॉट कोड डॉट मैक्स, ये इसका कितना वैल्यू है मैक्स वैल्यू 419430 4194304, ठीक है, नेट डॉट कोड डॉट WMEM, यह आपके नेटवर्क की वैल्यू है कि नेटवर्क का कितना बैंडविड्थ यूज करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू सेम है 262144 और मैक्स वैल्यू देखो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, मैक्स वैल्यू 1048576, ठीक है, वन ऑफ एंट्री लास्ट एंट्री है जो है फाइल ऑपरेशन AIO मैक्स कितना इनपुट आउटपुट करेगा। आपने एक सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट डिफाइन किया, दूसरा कर्नल पर फाइल की मूवमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगेन सेम साइज वैल्यू है 1048576, ठीक है, इसकी वैल्यू को आप सेट करते हैं fs डॉट AIO मैक्स इन आर 1048576, आप इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। ठीक है, अगर इसमें कुछ इशू जाएगा तो इसको रिफ्रेश करने के टाइमिंग में आपको इशू दिख जाएगा। हमने क्या कर दिया, CCTLSP-P रिफ्रेश हुआ, अब आप इसको चेक अगेन अप्लाई कीजिए, अब तो यह प्रॉम्प्ट ही नहीं दिखेगा। मीनिंग वेरी सिंपल, सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो रहा है, अगर हम उसको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं कि जो प्री रिक्विजिट जो हमने दिखाया है और दिखे का ही, हाँ अगर जो पहले हम प्लान करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्री रिक्विजिट डिफाइन करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड मैटर फॉलोड बाय क्लाइंट। आपने फिलहाल आप किसी को प्रूफ क्या दोगे कि आपने ऑरेकल इंस्टॉल किया है, आपके पास एक टिकट सारे ऑरेकल के इंस्टॉलेशन का, ठीक है, तो हम उसे कोई प्रूफ दे ही नहीं सकते। फिलहाल मैं इसको फिनिश करता हूँ कि अपना काम कर ले। ठीक है, हम किसी को कोई ऐसी के नहीं पास कर सकते, ठीक है, इसीलिए उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आती है एवरी स्टेज की डॉक्यूमेंट रीड करते हैं, उसका स्क्रीन प्रिंट देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसको सेंड करते हैं कि देखो भाई तुम्हारे लेकर सर्वर भी इंस्टॉल हो जाए, दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज योर। लेकिन हम अगर अपने सिस्टम पे करते हैं जहाँ पर कि अपने क्लाइंट होते हैं और अपने क्लाइंट का इजी होता है कि आप लाखों सर्वर पे करें, एक दिन में 10 सर्वर पे इंस्टॉल हो जाना चाहिए, और खुद के लिए 10,000 सर्वर पर आप कैसे सोच के लिए 10,000 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका लंच टाइम हो जाएगा। हेलो, हाँ जी भाई, जी हेलो, हाँ यस भाई, आइए, हाँ हाँ मुझे पार्टी दे, आपका डेटाबेस 94% पर पहुंचा, तो इस 94% पर आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जो ORACH इन रूट डाटा से दो फाइलों को चलाने के लिए बताएगा, जो ऑरेकल डेटाबेस की एनवायरनमेंट को सेट करता है।
वीडियो प्रॉम्प्ट हम रूट पर ही अवेलेबल है, ठीक है। रूट पर ही अवेलेबल है हम। हम मूव कर जाते हैं सीडी यूजरेबल, ये देखिए ये प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम चलाएंगे इस वाली पाथ पे, ये वाली फाइल चलाना है, ऐप ओरा इन्वेंटरी U01 ऐप ओरा इन्वेंटरी। इस लोकेशन में जो फाइलें हैं ओरा SH, आप ये चला देते हैं, ठीक है, जो आपके परमिशंस को सेट कर देता है। हाँ GST admin product this DB home, यहाँ से root.sh यह फाइल एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। root.sh क्या कर रहा है, आपके डेटाबेस के लिए एनवायरमेंट फाइल तैयार कर रहा है, ठीक है। USR local bin, इसमें आपका DB home ORINV और CoreINV ये तीन फाइल जनरेट करता है, जब भी चाहे आप ORINV को यूज करते हैं .ORINV। और ETC ORA tab एक फाइल तैयार करता है, ETC ORA tab में आपके अगर एंट्री फाइनलाइज हो जाता है, इट मींस कि ऑरेकल डेटाबेस इस सर्टन सक्सेसफुल हो चुका होता है। जब यह फेज आपका क्लियर होता है तो आप यहाँ मूव करते हैं, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को ओके कर देते हैं। इट मींस जब वो स्क्रिप्ट को ओके कर दें तो आपका यह फेज जो इंस्टॉलेशन फेज है, ठीक है, यह कंप्लीट कर देता है, ठीक है। योर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज सक्सेसफुल, इट मींस आप फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है। नहीं है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस आपके पास में यह अवेलेबल है ATC सिक्योरिटी लिमिट्स डॉट कॉन्फ़िग, यह आपके सिस्टम पैरामीटर्स है। इट मींस दिस इज अ डोमेन फॉर यूजर्स वाइल्ड कार्ड, यह डोमेन है फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो, वो आपके हार्ड एंड सॉफ्ट के हैं। थर्ड सिनेरियो जो है वो आइटम के लिए, ठीक है। तो आप कोड डेटा एफ साइज मेमोरी लॉक RSS स्टैक कोई भी वैल्यू प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अप्लाई फॉर ओनली फॉर ऑरेकल, फॉर एनी अदर एप्लीकेशन, किसी भी जगह किसी एप्लीकेशन के लिए अगर बैंड सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज आइटम वैल्यू, तो जो आपके पास आइटम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे आइटम की लिस्ट है, इसको आप किसी पाथ से कर सकते हैं। किसी सिस्टम में इशू जनरेट होता है नो प्रोसेस का, किसी पे एनो फाइल्स का, ठीक है, किसी पे कोड का, ठीक है, लॉक्स की सिस्टम कभी कभी अलर्ट्स कम दिखता है, ठीक है, बट ये सारे वैल्यूज हैं, आप ये सारे वैल्यू कहीं भी चेक कर सकते हैं। सिस्टम की जो वैल्यू पास होता है हम उसे चेक करते हैं, लेकिन एक लेवल पर आपको एजम्पशन कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मैक्सिमम मेमोरी कितना चाहिए, मैक्सिमम बैंडविड्थ कितना चाहिए, मैक्सिमम हमारा सिस्टम कितना फाइल ओपन करेगा, ठीक है। यह आपको एक एस्टिमेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और यह एस्टिमेशन आज पर डोमेन यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको किसी को यह नहीं बता सकते या कोई एक इमेजिनेशन नहीं आ सकता कि हमारा सिस्टम कितना नेटवर्क बैंडविड्थ मांग रहा है। आप ब्राउजिंग करते हैं और डाउनलोडिंग भी करते हैं, अब जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, ठीक है, वो खुद से आप जाके पूछ लेना कि कितना ब्राउजिंग कितना नेटवर्क प्रोवाइड मुझे मिलता है, कितना वो क्या बता पाएगा आपको।
डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो हम यह इस्टीमेट करते हैं कि यूजर कितने हैं, किस तक के बाइट्स का यूज हो रहा है, बल्क डेटा प्रोसेस कितना हो रहा है, इस सब के अकॉर्डिंग हम मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ चेक करते हैं। तो यह केस टू केस डिफरेंट होता है। ऑरेकल एक रिकमेंडेड सिनेरियो सेट कर दिया, ठीक है, दिस इज अ डिफॉल्ट, बट आप अपने सर्वर के लिए आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं डोमेन को, नेटवर्क सही हो, सिस्टम डाउन हो गया, नेटवर्क फुल यूटिलाइजेशन हो, सिस्टम डाउन हो गया, जो वेरिएशन जो नेटवर्क वेरिएशन कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अब ये सीन नहीं चलता जहाँ पर पीजन प्लान की सीखा है, जहाँ पर 100 Mbps का बैंडविड्थ है, वहाँ पे ये बाइट का क्या कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशंस अभी से 4-5 साल पहले, ठीक है, तो हम इसे करते हैं आउट। अब सिनारियो है कि हमारे पास ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। सेकेंड कि अब मुझे ऑरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करना है। हाँ, हम आज डीबीटी यूज करेंगे और कल हम सीएमडी मॉडल। डीबीसीए प्रोसेस को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग होने Move on. GST address. ठीक है, यहाँ पर एक फाइल बना हुआ है incdb01.sh, ठीक है, हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, फिलहाल हम एक फाइल एग्जीक्यूट करते हैं ORA ENV क्या डिमांड कर रहा है? ऑरेकल डेटाबेस नेम, नेक्स्ट कौन सी डेटाबेस बिल्डअप करना है आपको, वो डेटाबेस नेम नेम पास करें, डिफॉल्ट ऑरेकल का ओवरसेल डेटाबेस, ठीक है, ओवरसेल हम पास किए, ऑरेकल होम जिस लोकेशन में आपका ऑरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, अब देखिए वो सॉफ्टवेयर लोकेशन कौन सा है आपका, ऐप जीएसटी एडमिन प्रोडक्ट दिस डीबी होम, यह आपके ऑरेकल होम लोकेशन से आप यह पास कर दें, आपके होम सेफ हो गए, बट सिस्टम यह कहता है कि क्या आप रेगुलर में ऑरेकल लिंक चलाना चाहें, आप कहते हैं नो कंट्री टू, सिस्टम कहता है क्या आप इतनी काम नहीं करना चाहते, नहीं नहीं करना चाहते, तो क्या कीजिए कि नॉर्मल फाइल सेट कर दीजिए, बैच प्रोफाइल में सेट कर दीजिए, जिससे कि टाइमिंग से, तो हम क्या करते हैं, हम यह करते हैं एक फाइल बनाते हैं incorcl.env। अब ORCL क्या कुछ बना हुआ है? नहीं, एक फाइल जनरेट हो गया incorcl.env और मैं इस पाथ को पहले कॉपी कर ले रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑरेकल SID ORCL एक्सपोर्ट ऑरेकल होम एक्सपोर्ट आपने एनवायरनमेंट फाइल सेट कर दिया, ठीक है, और आप इसका मोड चेंज कर दें, मोड चेंज हो गया, इस फाइल को एग्जीक्यूट करें, फाइल एग्जीक्यूट हो गया, हाँ डॉट स्पेस फाइल, फाइल एग्जीक्यूट हो गया, अब यहां से आप ऑरेकल डेटाबेस की कमांड को यह ध्यान रखें कि जितनी बार भी चला है, ठीक है, आपको कमांड नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है तो आप यह समझ लीजिए एनवायरनमेंट फाइल नहीं चल रही है, कमांड नॉट फाउंड है, एनवायरनमेंट फाइल नहीं चल रहा है, हाँ डॉट एसई,
डॉट स्लैश आप ये भी यूज कर सकते हैं, डॉट स्पेस डॉट स्लैश भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर वैलिड। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यही चलाएं, ठीक है। आप इसको कॉपी कर देता हूँ, incorcl.sh, कोई फर्क नहीं पड़ता, sh incorcl.sh सारे एग्जीक्यूशन से आपने एग्जीक्यूट किया एंड पास dbca डेटाबेस। डॉट स्पेस जो आपने एक्सपोर्ट लिखा है वो एक्सपोर्ट इस सेशन पे अप्लाई हो जाएगा, इस कंसोल पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप डॉट स्पेस डॉट स्लैश डॉट मींस एग्जीक्यूशन स्पेस डॉट डॉट स्लैश मींस करंट डायरेक्टली वो फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। रिमोट पर होगा तो डॉट स्पेस पाथ फाइल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ये आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मूव करते हैं फॉर न्यू डेटाबेस, क्रिएट न्यू डेटाबेस, डेटाबेस नेम, डेटाबेस ग्लोबल नेम एंड डेटाबेस नेम वन ORCL डेटाबेस नेम, मूव ऑन नेक्स्ट। हमें अभी इंटरप्राइज मैनेजर्स कॉन्फ़िगर नहीं करना, ठीक है। स्कीप दिस एंड मूव नेक्स्ट। दो स्कीमा जनरेट करता है सीस और सिस्टम, आप सीस और सिस्टम का पासवर्ड सेट कर दीजिए यहाँ पर, रेड एट रेड एट, गो ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अब स्टोरेज टाइप में है आपका, ठीक है। स्टोरेज टाइप में डिफॉल्ट देखिए एक ऑप्शन है आपके पास फाइल सिस्टम और दूसरा ऑप्शन है ASM, ठीक है। हाँ, जब डेटाबेस ASM पर यूज करते हैं तो ASM यूज करते हैं, अदरवाइज फाइल सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, फाइल सिस्टम आगे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, फ्लैश रिकवरी एरिया या चेक दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एनेबल आर्काइविंग, यह भी हम चेक कर देते हैं, ठीक है, और हम आगे बढ़ाते हैं। सैंपल डेटा रिक्वायर्ड है तो सैंपल स्कीम आज को चेक कर दिए, नेक्स्ट प्रोसेस किए, ठीक है। आप इसे आगे बढ़ाइए और हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस इंस्टॉलेशन सिनेरियो वट एवर जो भी टाइम ले, ठीक है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके इंस्टॉलेशन रेडी हो जाएंगे। इट मीन्स कि ग्राफिकल सिनेरियोज में अब जब ये फाइनली रन कर गया तो मूव करें SQL प्लस स्लैश स्लैश CGI एंड चेक कर लें सेलेक्ट नेम फ्रॉम $3 सिनेरियो जनरेट हो रहा है, तो आप यहां से एग्जिट कीजिए और बहुत अच्छे फ्रंट में डालिए ऑरेकल डेटाबेस एंड डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस इंस्टॉलेशन, ठीक है। हैज का कोई एरर नहीं होगा, दैट इज अ कमेंट, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं।